तो बहुत बहुत स्वागत है मेरे सभी फ्यूचर ऑफिसर्स का इस बेहद ही खास वीडियो में। एग्जैक्टली लगातार मैं एसएसबी सीरीज लेके आ रहा हूँ और फ्यूचर ऑफिसर तो यार आप हैं, बिकॉज आपने डिसाइड किया है कि आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते हैं। पर कहते हैं उस फ्यूचर ऑफिसर बनने की जो जर्नी है ना, उसके दौरान जिस तरह की पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट होने चाहिए, जो इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए और जो एग्जैक्टली आपकी पर्सनैलिटी आनी चाहिए, वो बहुत मायने रखती है। ये सेशन वाकई में बहुत खास है और मैं जानता हूँ कि आप बहुत सारा प्यार भी दे रहे हैं, ज़्यादा ज़्यादा इस सेशन को शेयर कर रहे हैं और हर फ्यूचर ऑफिसर के साथ इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाएँ कि एग्जैक्टली आर्म फोर्सेज की एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके हिसाब से कैसे खरा उतरना है। और एग्जैक्टली बड़ा प्रश्न मैं हमेशा करता हूँ कि जेंटलमैन, डू यू हैव इट इन यू, और जवाब देना होता है कॉन्फिडेंटली कि यस आई हैव इट इन मी। और यस आई हैव इट इन की बात करते हैं हम तो कहीं कि हमें ऑफिशियल क्वालिटीज़ का बिल्कुल ध्यान आ जाता है। इस सीरीज़ में लगातार आपने देखा कि फर्स्ट फैक्टर में हमने ऑर्गनाइजिंग एंड प्लानिंग को लेकर बात की, उनकी चारों क्वालिटीज़, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, ऑर्गनाइजिंग एबिलिटी, पावर ऑफ एक्सप्रेशन, इन सारे वीडियोज़ को मैंने किया। आप हमारे प्लेलिस्ट में एसएसबी सेक्शन में जाएंगे तो आप स्पेशल वीडियो इन कंटेंट पे भेज पाएंगे, जो कि बहुत फायदेमंद है अगर आप एसएसबी में अपीयर होने जा रहे हैं। तो पहले ही सेकंड पार्ट पे हमने सोशल एडजस्टमेंट को लेकर बात किया, जिसमें सोशल अडैप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी लेकर स्पेशल वीडियोज़ बनाई, जिनको आपने प्यार दिया। और आप बिल्कुल प्लेलिस्ट में जाकर के एसएसबी सेक्शन में इन वीडियोज़ को फिर से एक बार देख सकते हैं। और साथ ही साथ आज मैं अगली क्वालिटी को लेकर बढ़ने वाला हूं, जो कि है सोशल इफेक्टिवनेस। हाँ, ऑब्वियसली इसमें तो पांच क्वालिटीज़ हैं, जिनमें इनिशिएटिव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप, स्पीड मेकिंग डिसीजन एंड लाइवलीनेस। बट मुझे लगता है इनिशिएटिव मेरा अपने आप में एक वन ऑफ द फेवरेट जो है ऑफिशियल लाइक क्वालिटी का पार्ट है, जिसको लेके मैं आज आपके सामने हाजिर हूं। और मेरी पूरी कोशिश यही होगी कि इनिशिएटिव्स का एक्चुअल मतलब क्या है फौज के अंदर, और एग्जैक्टली ये आपसे इनिशिएटिव के माध्यम से क्या एक्सपेक्टेशन की जाती है, किस तरह का आप इनिशिएटिव करें, किस तरह का पहल करें, किन चीज़ों में करें, कैसे करें, जिससे आपके अंदर वाकई में वो लीडरशिप क्वालिटी और वो ऑफिसर लाइक क्वालिटी दिखाई दे, जो आपको रिकमेंडेशन का एक बड़ा कारण बन के दे। तो एग्जैक्टली इस कड़ी में बिल्कुल बढ़ते हैं। तो फाइनली आज फैक्टर थ्री पे हम लोग आ चुके हैं और फैक्टर थ्री में आज हम इनिशिएटिव जो है क्वालिटी को स्ट्रांगली आपके सामने डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इनिशिएटिव का मतलब समझते हैं। इनिशिएटिव है क्या? इनिशिएटिव का एग्जैक्ट जो मतलब होता है कि किसी भी चीज़, किसी भी टास्क, किसी भी अपॉर्चुनिटी, किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में या इंडिविजुअली भी कह लीजिए, जब आप फर्स्ट स्टेप लेते हैं, फर्स्ट मूव लेते हैं बिना किसी के कहे, तो दैट इज़ कॉल इनिशिएटिव। बट अगर किसी को कहना पड़ गया आपको फर्स्ट मूव या फर्स्ट स्टेप लेने के लिए, तो दैट इज़ नॉट अ इनिशिएटिव। तो ये पहली चीज़ ध्यान देना है। दैट मीन इट इज़ अबाउट बीइंग प्रोएक्टिव एंड नॉट वेटिंग अराउंड फॉर समवन एल्स टू टेल यू व्हाट टू डू। दैट मीन ये एक ऐसी खूबी है ना, जो आपको प्रोएक्टिव बनाती है, और इसमें आप किसी का वेट नहीं करते, किसी का इंतजार नहीं करते ये कहने के लिए कि इस टास्क को आप स्टार्ट करिए। आप खुद उस टास्क को स्टार्ट करते हैं और फाइनली फिनिश तक लेके जाते हैं। दैट्स द क्वालिटी विच इज़ कॉल्ड एज इनिशिएटिव। कहते हैं कि अगर इसको आसान भाषा में समझें कि भाई कहीं ना कहीं कुछ ऐसी डिमांड या एक्सपेक्टेशन आपसे है जो बिना आप कहे लोगों के लिए पूरा कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आप सड़क पे चल रहे हैं और आपने देखा कि गार्बेज है, तो आपने उठा के उसको जाकर के डस्टबिन में रख दिया। तो दिस इज़ अ क्वालिटी जो आपके अंदर इनहेरेंट होना चाहिए, और बीइंग अ फौजी ये सब क्वालिटीज़ आपके लिए ज़रूरी हैं। साथ ही साथ किसी की भी जो मदद की नीड है, बिना उसके कहे आपने जाकर के बढ़ चढ़ के उसकी मदद की, चाहे आपका फ्रेंड है, कोई इसी भी तरह के स्ट्रगल में है, आपके कोई भी परिचित का है, तो मुझे लगता है कि आप किसी का टेक केयर बिना कहे और उसको बिना बताए उसकी मदद करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ पार्ट ऑफ इनिशिएटिव। तो यू स्टेप अप एंड डू इट योर सेल्फ, दैट्स शोइंग इनिशिएटिव। और यही चीज़ जो होती है आपके अंदर के इनिशिएटिव को दर्शाती है। इन द एसएसबी इंटरव्यू दे वॉन्ट टू सी यू, यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु कैन टेक चार्ज एंड गेट थिंग डन विदाउट बींग कॉन्स्टेंटली टोल्ड वट टू डू। और मुझे लगता है बींग अ फौजी, बींग अ लीडर, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको कोई बताने वाला नहीं बैठा है, बल्कि बिना लोगों के बताए भी आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने टारगेट को, अपने गोल को सेट कर रहे हैं। और मुझे लगता है एसएसबी सबसे स्ट्रांगली इस पहलू को आपके अंदर देखा जाता है, ठीक है ना। दे वॉन्ट ऑफिसर हु कैन थिंक ऑन देयर फीट एंड मेक थिंग्स हैपन, मतलब अपने दम पे सोचना और अपने दम पे चीज़ों को डन कर ले जाना, ये आप में एटीट्यूड होना चाहिए इवन व्हेन द सिचुएशन इज टफ एंड अनक्लियर। और मुझे लगता है जब सिचुएशन सही ना हो उस दौरान भी इनिशिएटिव लेना और लीड करके सिचुएशन को सही कर जाना, दैट क्वालिटी कॉल द एग्जैक्टली इनिशिएटिव क्वालिटी। अब कुछ फैक्टर हैं जो एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि आपके अंदर इनिशिएटिव क्वालिटी है कि नहीं है। उनमें सबसे पहली चीज़ आती है बच्चे आपकी बी प्रोएक्टिव, मतलब कहते हैं कि आप एवरीडे लाइफ में आपको इनिशिएट करने का आदत होना चाहिए, ठीक है ना। लुक फॉर द अपॉर्चुनिटी वेर यू कैन स्टेप एंड टेक चार्ज विदाउट बींग आस्क, मतलब हमेशा आप अलर्ट रहें जोन में कि कोई भी अपॉर्चुनिटी बिना किसी के कहे आपको ऑप्ट करना है, लीड करना है, चार्ज लेकर के उसको फाइनली आपको डन करना है। सिंपली कहें, इट कुड बी समथिंग एज सिंपल हेल्पिंग आउट अ फ्रेंड नीड आर ऑर्गेनाइजेशन एन इवेंट आर स्कूल और कॉलेज, मतलब एक तरीके से अपने फ्रेंड की मदद करना, स्कूल कॉलेज में कोई इवेंट्स आपके हो रहे हैं उसमें खुद इनिशिएट करना, लीड करना, उसको डन करना, दैट इज़ कॉल्ड बी प्रोएक्टिव। तो सबसे पहले आप देखिए कि वाकई में आप बी प्रोएक्टिव हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके अंदर इनिशिएटिव की क्वालिटीज़ नहीं है। सेट गोल्स,
आइडेंटिफाई एरिया वेयर यू वॉन्ट टू सो मोर इनिशिएटिव. ये बहुत जरूरी है कि इनिशिएटिव ऐसे हर जगह नहीं होता है. आपको आइडेंटिफाई एरियाज तो करने ही पड़ेंगे जहां आपको इनिशिएटिव दिखाना है. मे बी इट इज इन योर स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, पढ़ाई में भी हो सकता है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी हो सकता है, कोई पर्सनल प्रोजेक्ट है वहां भी हो सकता है. सेट स्पेसिफिक गोल फॉर योर सेल्फ एंड टेक द नेसेसरी स्टेप टू अचीव देम विदाउट वेटिंग फॉर समवन एल्स टू पुश यू. बिल्कुल, आप पहले ऑब्जेक्ट गोल डिसाइड कर लीजिए और बिना किसी के पुश किए, बिना किसी के फोर्स किए अगर आप उसको लीड करके तय करते हैं तो ये बहुत अहम होता है. तो सबसे पहली बात, गोल भी सेट करना है आपको और गोल सेट करने के साथ यानी सेट करके उस गोल को डन भी करना है बिना किसी के कहे. बी ऑब्जर्वेंट. मुझे लगता है कि अपने सराउंडिंग में आप में एक बेहतर ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए, क्या चीज़ें हो रही हैं और जहाँ आपकी नीड है, जहाँ आपकी मदद है, बिना किसी के कहे, चाहे वो आप स्कूल हों, कॉलेज हों, आप किसी कम्युनिटी का हिस्सा हों, आप बिल्कुल बढ़ करके इनिशिएटिव लीजिए और अपने एक्शन से बेहतर ढंग से उस टास्क को कंप्लीट करिए. दैट इज ऑल्सो कॉल्ड इनिशिएटिव. टेक अ रिस्क. मुझे लगता है कि डोंट बी अफ्रेड, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड ट्राई न्यू थिंग्स. मुझे लगता है इनिशिएटिव का मतलब ये भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जो है रिस्क नहीं ले रहे हैं, अपने कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं, तो ये भी ठीक नहीं है. और एसएसबी प्रोसीजर के दौरान ये एटीट्यूड भी आप में देखा जाता है, क्योंकि फौज अपने आप में एक एडवेंचर से भरी हुई जगह है, तो आपको इनिशिएट तो लेना ही पड़ेगा. तो इसलिए रिस्क लेने की भी क्षमता होनी चाहिए. टेकिंग इनिशिएटिव ऑफन इन्वॉल्व्स टेकिंग रिस्क एंड फेसिंग चैलेंजेस हेड ऑन, एम्बरेस दीज अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग. एक्जैक्टली, मुझे लगता है कि जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो चैलेंजेस तो होंगे ही, इश्यूज तो होंगे ही, बट उन सबको सही ढंग से लेके चलना, दैट्स कॉल्ड द क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव. और उसमें रिस्क लेना पड़ता है. लीड बाय एग्जांपल. बिल्कुल, दूसरों को एग्जांपल सेट करिए अपने इनिशिएटिव के माध्यम से, जिससे लोग भी इंस्पायर हों, आपसे प्रेरणा मिले और वो भी एग्जैक्टली आपके पीछे पीछे चलें. ये भी इनिशिएटिव का ही एक हिस्सा होता है. तो बिल्कुल लीड बाय एग्जांपल, अपने एफर्ट से, अपने एक्शन से, अपने आउटपुट से उसको आपको लीड करना है. सीक फीडबैक, आस्क फॉर द फीडबैक फ्रॉम द टीचर, मेंटर्स, हाउ यू कैन इंप्रूव योर इनिशिएटिव टेकिंग skills, use their insight to continuously refine and enhance your ability to take charge and make things happen. तो बिल्कुल आपके लिए बहुत जरूरी है कि take proper feedback with everyone, क्योंकि nobody is perfect. जब आप इनिशिएटिव करते हो किसी चीज़ को लेकर के, तो हो सकता है कि आप पहले स्टेज पर परफेक्ट ना हो, बट मुझे लगता है अपने सीनियर से, अपने टीचर से, जो भी आपको गाइड कर रहा है, अगर आप उससे, अपने बॉस से एक प्रॉपर ढंग से फीडबैक लेते हैं और उस तरीके से आप फंक्शन करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी इनिशिएटिव के अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है जो सीख फीडबैक पैरामीटर को दिखाती है. रिफ्लेक्ट एंड लर्न. मुझे लगता है कि लाइफ में जब आप इनिशिएटिव लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, बहुत चीज़ें खराब भी होती हैं, बट मुझे लगता है कि उसके रिफ्लेक्शन से आपको कुछ लर्निंग जरूर आनी चाहिए कि क्या चीज़ें गड़बड़ हुई, क्या चीज़ें सही हुई और उनको आपको टाइमली सुधारना है. व्हाट वर्क वेल, क्या अच्छा काम किया, क्या नहीं करके आया, क्या आपने डिफरेंटली किया, क्या आपको और नहीं करना चाहिए था. यूज़ द सेल्फ रिफ्लेक्शन टू कंटिन्यूसली इंप्रूव एंड ग्रो एज अ लीडर. मुझे लगता है कि जब आप कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट एंड लर्न पॉलिसी पे जाते हैं तो हर समय ये एनालाइज करते हैं कि जो मैंने इनिशिएटिव लिया, जो मैंने टास्क किया, जो मैंने लीड किया, उनमें क्या कमियां रहीं और मुझे क्या बेहतर करना. तो ये मोटी मोटी क्वालिटीज़ हो गई कि रिफ्लेक्ट एंड लर्न, सीक एंड फीडबैक, लीड बाय द एग्जांपल, टेक रिस्क, ऑब्जर्वेंट, सेट गोल्स एंड बी प्रोएक्टिव. तो दीज आर द क्वालिटी जो मुझे लगता है कि आपके इनिशिएटिव फैक्टर को दर्शाती हैं. और आपको देखना है कि निजी जीवन में क्वालिटी आपके अंदर है कि नहीं है. तो मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, अगर आप इनिशिएटिव लेना जानते हैं और इनिशिएटिव लेते हैं, तो सबसे पहले कमेंट सेक्शन में मुझे यही जानना है कि क्या जितने फैक्टर्स में इनिशिएटिव्स को लेके बता रहा हूं, क्या ये सारे फैक्टर्स आप अपने लाइफ में देख पाते हैं कि नहीं देख पाते हैं, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो भी आपके लाइफ में नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और उन पर मोर एंड मोर प्रैक्टिस करिएगा. और कहा जाता है, बाई प्रैक्टिसिंग दिस स्टेप रेगुलरली यू विल ग्रेजुअली डेवलप द ऑफिशियल लाइक क्वालिटी ऑफ इनिशिएटिव एंड बी बेटर प्रिपेयर टू शो केस ड्यूरिंग द एसएसबी इंटरव्यू. मुझे लगता है कि जब इन चीज़ों को आप अपने जीवन में धारण करेंगे, इनको आप बियर करेंगे, तो ऑब्वियसली आप में एक बेहतर इंसान बनेगा, बेहतर क्वालिटीज़ आएंगी जो कि एक बेहतर और मैच्योर इनिशिएटिव के तौर पे दिखेगा, जो एसएसबी में आपको बहुत मदद करेगा. रिमेंबर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू से बट ऑल्सो अबाउट डेमोस्ट्रेटिंग योर एबिलिटी टू टेक एक्शन एंड मेक अ पॉजिटिव इम्पैक्ट. बिल्कुल, जिंदगी में कहने वाले तो बहुत हैं मुझे लगता है कि, बट उनको एक्शंस के द्वारा करके दिखाना, प्रूव करना, एक एग्जाम्पल सेट करना, दैट्स द रियल क्वालिटी ऑफ अ ऑफिसर. एंड आई थिंक वाई इनिशिएटिव यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव दिस इन द सोसाइटी. तो ये बहुत जरूरी है कि आप इन क्वालिटीज़ को केवल कहें नहीं बल्कि शोकेस भी करें, केवल आप इन क्वालिटीज़ को शोकेस ना करें बल्कि डेमोस्ट्रेट और एक्शन में ला करके एक बड़ा एग्जाम्पल सेट करें. और एग्जैक्टली इन सब चीज़ों को बेहतर ढंग से सीखने के लिए और बेहतर करने के लिए बिल्कुल जुड़िए एमकेसी के स्पेशल ऑनलाइन एसएसबी क्लासेस के साथ, ऑफलाइन एसएसबी क्लासेस के साथ. वन ऑफ द बेस्ट असेसर जो वाकई में आपकी रियल पर्सनैलिटी पर काम करेंगे, आपको बेहतर बनाएंगे, बेहतर इंसान बनाएंगे, और मुझे लगता है आपको मैच्योरिटी देंगे जो एग्जैक्टली एसएसबी के प्रोस्पेक्ट से जरूरी है. एमकेसी में गाइडेंस का उद्देश्य एक ही है कि हम श्योर शॉर्ट सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं. तो किसी भी तरह के एसएसबी कोर्सेज के लिए बिल्कुल आप कॉल कर लें 9696330033 पर और जुड़िए हमारे साथ. और आज जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इन क्वालिटीज़ में किन किन क्वालिटीज़ में आप माहिर हैं और कौन क्वालिटीज़ आपके अंदर नहीं हैं, कौन सी, और उनको कैसे आप खुद के अंदर बेहतर करेंगे. बाकी एसएसबी सीरीज़ की वीडियो को थोड़ा प्यार दीजिए और मेरे फ्यूचर ऑफिसर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच. गुड लक. जय हिंद, जय भारत.